नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों यहाँ पे 5 सेकेंड के अंदर अकाउंट से पैसा गायब हो गया। अगर आप यूपीआई यूज करते हैं तो बहुत सारी सावधानियां आपको बरतना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके अकाउंट से पैसा खाली होने में सेकेंडों नहीं लगेंगे। कैसे खाली होगा? 38,000 रुपया खाली हो गया सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों यहाँ पे एक ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं हुआ, उनका यूपीआई आईडी कोई जान गया। अब यूपीआई आईडी जान गया, उनको रिक्वेस्ट किया, उनके जो है फोन पे में नोटिफिकेशन आना चालू हो गया। बार 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 बार, मतलब कि जब टाइम मिले तब नोटिफिकेशन उनको अपना भेजना चालू करे। भेजते, अब उनसे गलती से वो पेमेंट करने जा रहे थे अपना, और वो नोटिफिकेशन उसी टाइम पे वो आ गया, उसका पिन इन्होंने अपना एंटर कर दिया, अकाउंट से तुरंत पैसा गायब हो गया। अपने पैसे थे 38,000 रुपए साफ। अब दोस्तों यहाँ पे आज आपको हम बताएंगे कि यूपीआई आईडी किसी को शेयर क्यों नहीं करना चाहिए और यूपीआई आईडी शेयर करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों यूपीआई आईडी अगर आपने क्रिएट किया है बनाया गूगल पे या फोन पे किसी का भी, तो उसको आप अपने पास रखें, किसी को शेयर ना करें। क्योंकि इसको शेयर करने से होगा क्या कि अगर कोई जान जाएगा तो बार बार आपके पास रिक्वेस्ट लिंक भेजेगा, जो कि वो आपके फोन पे गूगल पे नोटिफिकेशन जारी करेगा। मान लो कभी आप कोई पेमेंट करने जा रहे हैं, तो जैसे पेमेंट करने जाएंगे वहां पे तुरंत ही, अगर मान लो थोड़ा से अगर आप डिस्टर्ब हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे लोग रॉन्ग क्रेडिट कार्ड में पैसा डाल देते हैं अपने कार्ड को छोड़ के, सोचिए तो कोई ना कोई छोटी मोटी गलती होती है ना, वैसे आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो यूपीआई पिन किसी को शेयर ना करें। अगर आप यूपीआई यूज करते हैं, यूपीआई आईडी किसी को शेयर ना करें, और साथ में यूपीआई आईडी जिस फोन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस फोन में फालतू का एप मालवेयर कुछ भी डाउनलोड ना करें। एपीके फाइल किसी भी गूगल से या कहीं से डाउनलोड ना करें, नहीं तो आपका पैसा चला जाएगा। बैंक में जाओगे, चक्कर लगाओगे, साइबर में रिपोर्ट करोगे, जल्दी पैसा आएगा नहीं, वो भी आएगा कि नहीं आएगा, अपने देश का सिस्टम आपको पता है कितना स्लो काम करता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी का पैसा चला जाता है, साइबर में रिपोर्ट करो, दौड़ो, खुद के पैसे के लिए परेशान हो, कोई सपोर्टिंग, कोई जल्दी हेल्प नहीं मिलता है, बर्बादी ऊपर से, परेशानी ऊपर से। तो भाई लोग मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, यूपीआई जितना आपके लिए अच्छा है उतना बुरा भी है, तो किसी के चक्कर में ना पड़े। और किसी अनजान पर्सन को जिसको आप जानते नहीं है उसको यूपीआई पेमेंट बिल्कुल ना करें, चाहे कितना खास क्यों ना हो। अगर आप ये सारी चीजें को सावधानियों में बरतते नहीं है, नहीं ध्यान देते हैं, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं, रखा हुआ पैसा आपके काम में नहीं आएगा। तो ये है कहानी, छोटी सी गलती 5 सेकंड में 38,000 रुपए खाली कर दिया, और ये पैसा अब तक नहीं मिला, काफी टाइम हो गया, और ये पैसा अब का नहीं गायब हुआ है, काफी टाइम का हुआ है, बैंक में रिपोर्ट किए, साइबर में रिपोर्ट किए, मैटर चल रहा है, पैसे का पता नहीं। तो आप बताना वीडियो कैसा लगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।